ढले गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है हो गई। ओके मम्मी जिंदा बेलो પછી ક્યાં જવાનું ફરવા ક્યાં જવાનું? સેન્ડલ પહેરને કે બાદ મુજે કહેતા હૈ કે મમ્મા મેરી ફોટો ખીચો, તો ઉસકો પતા નહીં હૈ કે મેં ઉસકી ફોટો નહીં લેકિન વિડિયો ઉતાર રહી થી, બસ વૈસે વો ખુશ હો રહા હૈ અભી। તો ઇધર બ્લેન્કેટ ઓર જો એક ગોદડી મેને સુખાને કે લિયે રખી થી વો લે लेने के लिए आई हूँ। और इधर जो है हमारे नेबर थोड़े हवा फ्रेश करने के लिए निकले बाहर, और ये मेरी मम्मा और मेरी दादी है, चंपी कर रही है बालों में मम्मा मेरी। हेलो एवरीवन, तो आज मैंने पहना है ये इस टाइप का टॉप जिसकी इधर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरीज है और थोड़ी इधर नीचे, ये टॉप ऐसे दिखता है और इसकी ये है हाथों की लंबाई। लेकिन आज कोई स्पेशल ओकेशन तो नहीं है, लेकिन सोचा कि थोड़ा डिफरेंट करें क्योंकि बाहर जाने को भी नहीं मिल रहा। और जो मैं कपड़े लाई थी, मेरे ड्रेस और सब, वो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पर, ड्रेस का मटेरियल वो मैं सिलवाने के लिए इधर लाई थी, वो भी मेरा सब वैसा कि वैसा ही रह गया। और सारे सपने जो है इधर जाएंगे उधर जाएंगे वो सब इस लॉकडाउन में लॉकडाउन ही हो गए सच में, इस कोरोना की वजह से। तो सोचा कि थोड़ा बहुत ट्विस्ट करती हूँ, तो ये ऐसा टॉप पहना है मैंने, और जो ने नीचे जीन्स ऐसा लुक देता है। बहुत गर्मी है इधर, इधर भी मतलब इतनी बहुत गर्मी नहीं रहती है इधर, लेकिन अभी 3-4 साल से इधर भी बहुत गर्मी जो है पड़ रही है। तो मैंने आके ना तुरंत एसी जो है हाई कूलिंग पे रख दिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। मैं ऊपर बाहर गई, बाहर से जो है वो सब ब्लैंकेट और वो बाहर ऐसे रखे थे वो लेके आई, तो इतने में मुझे पसीने छूट गए। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पाव भाजी, वो तो आप हर वक्त बनाते ही होंगे, उसमें कुछ नया नहीं, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन पाव तो अभी हम लेने जाएंगे नहीं बाहर क्योंकि दुकान और वो सब बंद है, बेकरियाँ और सब। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाती हूँ, तो मैं बनाऊँगी लच्छा परोठा इसके साथ, और हमारे घर में सभी को पसंद है ये लच्छा परोठा, तो उसमें भी एक ट्विस्ट है। लच्छा परोठा मैं बनाऊंगी गार्लिक लच्छा परोठा। तो मैंने पाव भाजी के लिए जो है भाजी उबालने के लिए रख दी है नीचे, और अभी चलते हैं नीचे। लच्छा परोठा के लिए जो है आटा गूंदना पड़ेगा, उसके लिए हमें 20 से 25 मिनट का उसको रेस्ट देना पड़ेगा, तो चलते हैं नीचे। हेलो, तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, आप सब देख ही रहे होंगे। तो अभी बच रहे घड़ी में 7:15 और मैं जा रही हूँ अभी गार्लिक लच्छा परोठा बनाने के लिए। ओके, तो आप भी मेरे साथ चलिए देखें लच्छा परोठा की रेसिपी। तो लच्छा परोठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा रेगुलर आटा रहता है जिसे हम चपाती बनाते हैं वो ही लिया है, और जो है थोड़ी गार्लिक की पेस्ट ले ली है, और अभी इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक। ओके, इसको हम बस ऐसे ही मिक्स कर देंगे
और ऐसे मिक्स करके इसको 5 मिनट तक रहने देना है। फिर हम पानी से इसका आटा गूंद लेंगे। और कुछ भी इसमें नई प्रोसेस नहीं है। ये पाव भाजी जो है हम पाव के साथ तो खा ही लेते हैं, लेकिन हमारे घर पे पाव जो है बहुत नहीं खाते, तो हम वो है स्किप कर देते हैं और सिंपल वाली जो पराठे रहते हैं वो बनाते थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ, तो इसलिए जो है मैंने ये गार्लिक लच्छा परोठा बनाने की सोची आज। तो इसमें थोड़ा सा और तेल डाल दूँगी। तो मैंने इसको थोड़ा गार्लिक और ऑयल नमक वो डाल के बस ऐसे कर दिया है, और उसके बाद हम उसको 5 मिनट के बाद उसको आटा गूंदेंगे। तब तक हम दूसरी जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं। आटे के लिए जो पानी चाहिए था वो गर्म हो गया है, और इसके अंदर मेरा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैं चम्मच से उसको मिक्स कर रही हूँ। ये मिक्स करने के बाद उसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे उसको ऐसे ही, ताकि जो है हमारे जो ये हमने जो है चपाटी का आटा लिया था, इसलिए ये प्रोसेस करनी ज़रूरी है गर्म पानी लेना। बाकी आप जो है मैदा का यूज़ करो तो ये गर्म पानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इसके लिए बस वो चाहिए गर्म पानी। तो अभी मैं ये भाजी बनाने के लिए प्रोसेस कर रही हूँ आगे की। उसके लिए जो मैंने कांदा कद्दूकस कर दिया और टमाटर, तो यहाँ पर आ रही थी महाभारत, वो मैं बीच में देखने के लिए चली गई थी, क्योंकि अभी जो है इमोशनली शॉर्ट जो है आ रहा था, तो वही देखने के लिए मैं चल गई थी। शत्रु का विलाप करके अपने आंसू का अपमान न करे, ये राजनीति तो कहने कौन है? कबूतर है पुत्र, तुम्हारा जो इष्ट प्राता के लिए आप उत्तरदायी है, हमें चेष्ट खाकर शीघ्रा चेष्टभूमि में मैं अपने चेष्ट प्रदर्शी के शव को साक्ष मानकर सारी नारी जाति को शाप देता हूँ। तो देखा ना हम स्त्रियों को किस वजह से श्राप मिला है, और इसी वजह से जो है हम हमारे पेट में कोई भी बात जो है टिकती नहीं। और ये मैं महाभारत देखने के लिए चली गई, और मेरे तेल के जो है धुएं धुएं उड़ गए, वो फास्ट गैस छोड़ के मैं चल गई थी, भूल ही गई, ध्यान ही नहीं रहा। देखो गैस बंद है, फिर भी मैंने इसके अंदर जीरा डाला है, देखो कितना वो गर्म हो गया है तेल। और बस ये कांदा जो है डाल दिया। पाव भाजी हमारे घर पे जब भी बनती है
कुछ ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि हम सबको बहुत पसंद है। और मुझे सिखाते हैं हम, तो पाव भाजी के लिए जो भाजी हमने ली थी उसके अंदर जो है पत्ता गोभी ली थी, फिर फ्लावर, आलू, फिर एक दो टमाटर उसके अंदर बॉईल करने के लिए रख दिए थे, फिर मटर और एक कैप्सिकम भी मैंने इसके अंदर बॉईल करने के लिए डायरेक्ट रख दिया था, इसके अंदर भुना नहीं था मैंने। तो अभी मैं शूटिंग सॉरी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पीछे से पंखे की आवाज़ आ रही है। अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ। ये मैंने डाला है अभी पाव भाजी का बादशाह का मसाला, तो इसके अंदर जो है हम अभी पाव भाजी का मसाला डालते हैं तो उसका जो कलर है वो बेसिक ही रहेगा। और उसके बाद जो है ये रेड चिल्ली पाउडर भी तभी डाल देना है, और जो है हल्दी, उससे जो है कलर उसका डिफरेंट नहीं रहेगा। और पाव भाजी की जो ये भाजी मैंने मैश कर ली थी मैशर से, तो वो बस अभी वही डाल रही हूँ। अभी उसके अंदर हमने जो उबालने के लिए रखी थी ये पूरी सब्जी, उस टाइम हमने हल्दी और थोड़ा नमक डाल दिया था। उससे क्या होता है कि जो पूरे घर में उसकी जो आपको पता ही होगा बास उसकी बहुत आती है, तो वो नहीं आएगी। आप हल्दी और नमक उस टाइम डाल दोगे तो ये जो है बास उसकी बहुत नहीं आएगी। तो ये रेडी है हमारी भाजी, बन गई। तो अभी मैं गार्लिक परोठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कटोरी में लिया है गार्लिक, फिर थोड़ा चाट मसाला और थोड़ी सी चिली पाउडर डाला है मैंने, और ये मैं घी ले रही हूँ। आपके पास अगर बटर हो तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास नहीं था बटर तो इसलिए हमने घी लिया है। तो एक बड़ा सा उसका लेना है आटे का लुया और उसको बेलना है थिक। और बेलने के बाद जो हमने वो मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर ब्रश से लगा देना है। थोड़ा जो है सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क देना है और उलट पुलट उसको ऐसे पट्टी करनी है उलट पुलट। और बस ऐसे राउंड शेप कर देना है और लास्ट वाला जो पोर्शन रहेगा उसको बीच में ऐसे सेंटर में दबा देंगे ताकि जो है उसका लास्ट का वो छूटे ना। और बस उसको बेल देना है, थोड़ा थिक बेलना है इसको। आप देख सकते हो मैं ये उठा रही हूँ परोठा, तो बीच में से ही उसके जो पार्ट है वो अलग हो रहे हैं, मतलब हमारा जो ये लच्छा परोठा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। इसलिए मैं अभी जो है उठा के नहीं, लेकिन
जो चकला है उसको घुमा घुमा के बेल रही थी। तो ये परोठा है पूरा, हमें जो है सेकना नहीं है, थोड़ा कच्चापन रहे उसी दौरान तेल लगा देना है, या फिर आप जो भी चाहो बटर या घी कुछ भी लगा सकते हो। तो ये इसी टाइम लगा के उसको पलट देना है। और देखो ये आपने देखा ना कैसे उसका जो उसका लच्छा का लेयर है वो बन के तैयार है, और बीच बीच में ऐसे आप देख सकते हो। और ये देखो ये गरम था, मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जो इसकी लेयर है बहुत अच्छी बनी बनी थी। और ये देखो पसीने से हालत कैसी हुई है, आपके आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा क्योंकि अभी गर्मी इतनी है तो क्या करें। तो बस अभी खाना जो है तैयार हो गया, ये पाव भाजी मैं निकल रही हूँ, मेरे पापा के लिए डिश तैयार कर दी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ी सी इसमें ओवर एक्टिंग हो गई हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं नई नई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।